अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स से शुरू करते हैं एट मल्टीप्लाई एट इक्वल टू फोर पावर एक्स वट इज़ दैल्यू ऑफ एक्स तो एट मल्टीप्लाई एट सिक्सटी फोर की इक्वल है अब हमने बेस को सेम करना है और पावर इक्वेट कर देनी है तो सिक्सटी फोर को हम फोर पावर थ्री लिख सकते हैं यानी कि फोर क्यूब सो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई बी करेक्ट ऑप्शन इज़ बी एक्स की वैल्यू आ गई थ्री एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ बी क्वेश्चन नंबर 37 लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स आर एंड एक्स स्क्र इज ग्रेटर देन 7 देन सुप्रीम ऑफ दिस सेट एस इक्वल टू इस सेट का हमें सुप्रीम फाइंड करना है लेट एस बी अन एम टी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एन एलिमेंट एम बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस यानी कोई भी एलिमेंट एम रियल नंबर का वो अपर बाउंड होगा अगर सेट के तमाम एलिमेंट्स उससे छोटे हों या वो एम जो है जिसको हम अपर बाउंड कह रहे हैं वो सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो या बराबर हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीम इज़ लेस देन एनी अदर अपर बाउंड ऑफ एस अब किसी भी सेट के इनफाइनाइट में एनी अपर बाउंड हो सकते हैं तो जो उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड है उसे हम सुप्रीम कहेंगे जो सेट के सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर हो सकता है तो अब ये सेट है एक्स स्क्र ग्रेटर दैन सेवन इसका सुप्रीम क्या होगा अब अगर आप यहाँ पर सेट को देखें तो इसके तमाम एलिमेंट जो हैं एक्स वो ग्रेटर देन स्क्र रूट सेवन होंगे तो हमें सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है यानी कि अपर बाउंड फाइंड करना है अब इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो इन्फिटी तक तक जा रहे हैं तो इन्फिनिटी से बड़ा दो का एलिमेंट होता नहीं है इसका मतलब यह है कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता अगर करता है तो वो इन्फिनी होगा तो इस सेट का जो अपर बाउंड है वो अनडिफाइंड है वो इन्फिनिटी है करेक्ट ऑप्शन इज डी क्वेश्चन थर्टी एट अ फंक्शन इज सेट टू बी काउंटेबल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू नेचुरल नंबर एन सच दैट एफ इज़ बाइजेक्टिव इंजेक्टिव सब्जेक्टिव और आइडेंटिटी मैप तो कोई भी फंक्शन काउंटेबल होगा अगर एक मैपिंग एग्जिस्ट करे उस सेट से नेचुरल नंबर पर और वो जो मैपिंग जो हमने डिफाइन की है वो बाइजेक्टिव हो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है इसके अलावा मैंने काउंटेबल सेट्स पर वीडियो या काउंटेबल फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाई है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन थर्टी नाइन एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज कोई भी सेट जिसमें जीरो वेक्टर हो से हम क्या कहेंगे ऐसे सेट को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे तो पहले लीनियरली डिपेंडेंट के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अ सेट ऑफ वैक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री अपू वी एन इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ फॉर एनी सेट ऑफ स्केलर्स ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन वी गेट ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री अप टू सोन इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर एटलीस्ट वन आई यानी कि आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो हो मगर कम अज कम एक कॉन्स्टेंट नॉन ज़ीरो हो यानी ए वन ए टू ए थ्री उसमें से कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो हो और जो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ए वन लीनियर कम्बिनेशन की वो उसका सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए उस केस में हम कहेंगे कि वैक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हैं अब हमने चेक करना है क्या अगर कोई सेट ज़ीरो वेक्टर को कंटेन करे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इनडिपेंडेंट होगा तो हमने फ़र्ज़ किया कि पहला जो वेक्टर है वी वन वो ज़ीरो के इक्वल है वी वन जीरो के इक्वल है तो मैं इस सेट को ऐसे लिख सकता हूँ लीनियर कम्बिनेशन में वन टाइम जीरो वी वन की जगह ज़ीरो लगा लिया प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री प्लस सो ऑन इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब हो चुके हमारे पास पहला कॉन्स्टेंट है ए वन वो ज़ीरो नहीं है वो वन है और लीनियरली डिपेंडेंट में यही कंडीशन होती है कि कम से कम एक कांस्टेंट नॉन जीरो हो यहाँ पर ए वन जो है वो नॉन ज़ीरो है वन इक्वल आ गया इसका मतलब हुआ कि अगर किसी सेट में ज़ीरो वेक्टर होगा तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा सो करेक्ट ऑप्शन इज बी क्वेश्चन फोर्टी लेट एस इक्वल टू जीरो वन फोर नाइन सिक्सटीन और ये सेट कंटिन्यूस है आप देख सकते हैं कि ये स्क्वेयर्स का सेट है नंबर्स का स्क्वेयर लिखा है तो हमने सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है अब देखें जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट हैं इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है ये होल नंबर है अगर ये रियल नंबर का सेट होता तो ज़ीरो और वन के दरमियान इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स आते हैं और उनका स्क्वेयर यहाँ पर लिखा होना चाहिए था जो नहीं है इसका मतलब ये होल नंबर का सेट है तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा मीन्स एस इक्वल टू एक्स स्क्र सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी क्वेश्चन फोर्टी वन लेट एच बी अब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी विद ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एंड ऑर्डर ऑफ इक्वल टू सेवेंटी द इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज लेगर थ्योरम के मुताबिक बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर भी और सब ग्रुप का इंडेक्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट के टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच अब यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर 75 है और h का ऑर्डर जो सब ग्रुप है स्क्वाअर्ड 25 है तो इंडेक्स बनेगा 25 है। विश नंबर इज 75 दिस नंबर इज 3 सो हियर द इंडेक्स ऑफ h इन g इज 3 क्वेश्चन 42 इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू 7 अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 7 हो तो उसके कितने सब ग्रुप होंगे यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो उसके सिर्फ दो सब ग्रुप्स होंगे दो डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होंगे एक ट्रिवियल सब ग्रुप जो कि आइडेंटिटी पर मुश्तमिल होगा और एक वो दूसरा ग्रुप यानी कि वो खुद तो इस क्वेश्चन के जो सब ग्रुप बनेंगे वो दो ही बनेंगे टू डिस्टिंग सब ग्रुप तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसके दो सब ग्रुप्स होते हैं क्वेश्चन 43 लेट ए बी बी इन अ रिंग आर फर्स्ट में दो एलिमेंट्स हैं ए बी किसी भी रिंग आर में ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं मगर उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो हम ए और बी को क्या कहेंगे इस केस में हम ए और बी दोनों को जीरो डिवाइजर्स कहेंगे यानी कि ए और बी खुद दोनों नॉन ज़ीरो हैं मगर उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है सो ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स क्वेश्चन फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंटीग्रल डोमेन बनता है इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हैविंग नो जीरो डिवाइज़र तो इंटीग्रल डोमेन एक ऐसा कम्यूटेटिव रिंग होता है जिसमें यूनिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मौजूद होती है मगर उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता जीरो डिवाइजर के डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं तो सेट ऑफ इंटीजर वो इंटीग्रल डोमेन है इसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर ज़ीरो नहीं आएगा नॉन जीरो ही आएगा इसके अलावा आपने ये बात भी याद रखनी है कि इफ़ पी इज़ प्राइम दैन जेड पी इज़ एन इंटेग्रल डोमेन अगर पी प्राइम हो जिस तरह के यहाँ पर जेड फाइव है फाइव इज ए प्राइम सो जेड फाइव इज एन इंटेग्रल डोमे ऑन दी अदर हैड इफ़ एन इज़ कम्पोजिट दैन जेड एन इज़ नॉट एन इंटेग्रल डोमेन ये भी याद रखने वाली बात है कि अगर पी या एन आपके पास प्राइम ना हो कोई और नंबर हो अदर दैन प्राइम जिसे हम कंपोजिट कहते हैं तो वो उस केस में जेड एन इंटेग्रल डोमे नहीं बनेगा सो so हेयर हमारे पास जेड भी इंटेग्रल डोमेन है जेड फाइव भी इंटेग्रल डोमे है सो करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ एंड बी इसका आपने याद रखना है ये और के होता है और ये जो ऑर्डर है ये लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है क्वेश्चन फोर्टी सिक्स हाउ मच आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ये कि वन टू नाइन तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं ज़ीरो किस केस में सिग्निफिकेंट है अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान ज़ीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट है अगर ज़ीरो किसी नंबर के एंड पर आ गया इस तरह यहाँ पर लास्ट में ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है सिर्फ़ वो ज़ीरो जो कि स्टार्ट में लिखे जाते हैं पॉइंट को तरतीब देने के लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होते तो इस क्वेश्चन में तमाम के तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं यानी यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो वो कंप्लीट हैं नाइन है करेक्ट ऑप्शन इज सी क्वेश्चन फोर्टी सेवन थर्टी स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ एक्स वाइल ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ एटी द एवरेज फॉर एंटायर ग्रुप इज किसी क्लास में फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं थर्टी की एवरेज एक्स है ट्वेंटी की एवरेज एटी है तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज क्या होगी अब हमने इंटायर ग्रुप की एवरेज फाइंड करनी है एवरेज का फॉर्मूला आपको गिवन है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज अब हम सम फाइंड करेंगे जो कि उन्होंने नंबर लिए हैं उनका सम क्या आएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं 50 पर डिवाइड कर देंगे अब देखें 30 स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास सम आएगा यहाँ पर आपको एवरेज क्या दी है एक्स दिया तो एवरेज की जगह आप एक्सपोर्ट करें सम इसी तरह आ जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह थर्टी आ जाएगा तो थर्टी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब सम ऑफ वैल्यूज़ फॉर थर्टी स्टूडेंट्स इज़ थर्टी एक्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई एवरेज इसी तरह ट्वेंटी स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर ट्वेंटी एम और एवरेज एटी एम मल्टीप्लाई कर दें सिक्सटीन हंड्रेड आ जाएगा अब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें सो एवरेज इक्वल टू थर्टी एक्स प्लस हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी इसको सॉल्व करेंगे तो ये थ्री बाई फाइव एक्स प्लस थर्टी टू आ जाएगा क्वेश्चन फोर्टी एट इफ द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर बिलो आपको दिया है इसका अरिथमेटिक मीन सिक्स आता है तो y की वैल्यू फाइंड करें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला तमाम वैल्यूज को जमा करें और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करें अब आपको गिवन है कि इसके अरिथमेटिक मीन सिक्स के इक्वल है तो अब आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन 49 नाइन प्रोबिलिटी ऑफ टू हेड्स इन टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स इज इक्वल टू किसी भी, भी कॉइन को दो दफ़ा टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर एक दफ़ा टॉस किया तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू होगी और अगर दो दफ़ा टॉस करेंगे टू बाई फोर हो जाएगी क्योंकि सैंपल स्पेस में अब दो हेड और दो टेल हो गए टू बाई फोर जो कि अगेन वन बाई टू के इक्वल होता है सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन एन इक्वल टू टेन बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में एन की वैल्यू जो है वो टेन है पी की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स है तो ईफ e एक्सक्वेयर क्या होगा ई ऑफ एक्सक्वियर क्या होता है सेकेंड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन होता है सेकेंड मोमेंट अबाउट ऑरिजन ई ऑफ एक्स एक्सक्वेयर इसका फॉर्मूला आपके सामने है एन टाइम्स एन माइनस वन इंटू पी स्क्र प्लस एन पी वी आर पी इज द प्रोबिलिटी दैट एन इवेंट विल हैपन एन पी सक्सेस प्रोबिलिटी है जबकि एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं तो एन और पी दोनों की वैल्यू आपको गिवन है सिंपल आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा थर्टी एट पॉइंट फोर सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी दोस्तों वीडियो को लाइक करना और मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज